की दो सीटों में से एक पर आप इलेक्शन लड़े और एक सीट पीपुल्स पार्टी को दे, इस खुशी में दे क्या मौजूदा हुकूमत ने बीबी के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है। हुकूमत ने सबसे मुतबिर हलीफ जमात की पीठ में हंजर घोंप कर माजी के आमरों के दौरे हुकूमत को भी शर्मा डाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, कल जब अल्ताफ हुसैन साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद ने यह कहा कि मौजूदा हुक्मरानों के तबाही का वक्त शुरू हो चुका है, तो हमें यह मालूम नहीं था, इशारे बहुत वाज़े हो रहे थे लेकिन पता नहीं था कि तबाही इस तक बढ़ जाएगी कि ना सिर्फ सेनेट से, नेशनल असेंबली से, प्रोविंशियल असेंबली से, यहां तक कि सिंध के गवर्नरशिप से भी वो अलहदा हो जाएंगे। लगता यह है कि यह हतमी फैसला है। अगर यह हतमी फैसला नहीं होता तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाती। इसकी वजह क्या बनी? कुछ खबरें हम तक भी हैं, हम इसकी तस्दीक भी कर लगेंगे और इस पर अगर पीपल्स पार्टी चाहे तो तरदीद भी कर सकती है। क्या एजेके के इलेक्शंस एक वजह बने या आने वाले इलेक्शंस में एमक्यूएम को अपनी साख मजबूत करना और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी जो कि गवर्नेंस के लिहाज से हर लम्हे फेल होती दिखाई दे रही है उससे अपने आप को अलहदा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। सो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन इन द कमिंग फ्यूचर, इस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। कल जो ट्रेलर आपने देखा वो तो आपने देखा, कहीं बंदूकें चलती रहीं, कहीं गोलियां चलती रहीं, कहीं कुर्सियां बरसती रहीं और इस तरह लाहौर में इलेक्शंस जो है वो पोस्टपोन कराने पड़े। जो लोग कराची में असले की बात करते थे, कल ये बात अफशा हो गई कि अगर लाहौर की स्क्रूटनी कराई जाए तो चीफ मिनिस्टर पंजाब शाहबाज शरीफ साहब ये कहते हुए शायद नजर आएंगे कि इतना असला, भारी असला सिर्फ दो इलेक्शंस के लिए जो इस्तेमाल किया गया ये काबिले कबूल नहीं है। अब क्या होगा जनरल इलेक्शंस में? क्या रॉकेट लॉन्चर चलेंगे? एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद हैदराबाद रिजवी साहब, फैसल रजा अब्दी साहब और शेख रोहेल अजहर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। डिस्कशन इज वेरी सीरियस बिकॉज द इशू इज पाकिस्तान, नॉट द इलेक्शंस। वेलकम बैक
बैक नाजरीन, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया था, अपने गेस्ट का तारुफ करा देती हूँ। आइए उन सबको वेलकम करते हैं। हैदर अब्बास रिज़वी साहब डेप्यूटी पार्लियामानी लीडर हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रुकन हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सेनेटर फैसल रजा आबदी साहब पोलिटिकल सेक्रेटरी भी हैं सदर पाकिस्तान के, और शेख रोहिल असगर साहब एक सीनियर रुकन हैं नेशनल असम्बली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। सेनेटर फैसल रजा आबदी साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करूँगी, ये धोखा था या मफाहमत? पहले नवाज लीग को नाराज़ किया और उसके बाद अब एक अकलौता वाहिद जो एएनपी के अलावा आपके साथ खड़ा हुआ आपका मुस्तहकम पार्टनर था उनको भी रवाना कर दिया, ये बात दुरुस्त है कि आपने इनसे ब्लैकमेलिंग के तहत कराची की दो नशिस्तें मांगी? देखें जी, धोखा और नफरत जहाँ वहाँ खलीज इतनी वसी हो जाती है तो किसी को देखने का रवादार नहीं होता। जमहूरियत का हुसन ये है कि इख्तलाफ भी होते हैं, दूरियाँ भी होती हैं, मनाया भी जाता है, करीब भी लाया जाता है, साथ काम किया भी जाता है। तो आप इसको किसी भी अंदाज में लें, मैं तामीरी अंदाज में लूँगा। ठीक है, वक्ती तौर पर अगर कोई चीज़ एमकेएम के कायद ने फील की और तहफ़ुज़ात आए और तहफ़ुज़ात के अंदर तकरीर हुई तो उस तकरीर को देखने के बजाय मैं उनका तामीरी किरदार क्यों ना देखूँ जो उन्होंने जमहूरियत को मुस्तहकम करने में और कराची से एक नफरत की सियासत ख़त्म करने में, जरदारी साहब की जो पॉलिसी थी मोहब्बत बढ़ाओ नफरत घटाओ को, उसमें एक तामीरी काम अदा किरदार अदा किया। और मेरे कायद को तो सबसे पहले उन्होंने नॉमिनेट किया ना सदारत के इलेक्शन के लिए, यही कह रहे थे। तो तामीरी अंदर लूंगा और मैं ये समझता हूँ कि अगर तहफ़ुज़ात हैं, एमकेएम हमारी सोच की जमात है, हम उसके साथ मुंसलिक हैं, और एएनपी हमारी सोच की जमात है, हम उसके साथ मुंसलिक हैं, सबसे बड़ा हिस्सा हमारा है, बार बार मनाना पड़ा, कोई इसको शिकस्त कहे, हम इसको जमहूरियत का हुसन कहेंगे, हम मनाएंगे। नहीं, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप मनाते रहिएगा। इसी में ढाई साल गुजर गए, साढ़े तीन साल गुजर गए, एक आध साल और सही, लेकिन मुझे सारी जिंदगी आप यही हुसन देखेंगी ना, तामीरी काम फैसल साहब ये होते हैं ना सेनेटर साहब, तामीरी काम ये होते हैं कि आप गवर्नेंस की तरफ नजरसानी करते हैं। बहरहाल मैंने सुना ये भी है कि आपको शायद कराची का गवर्नर लगा रहे हैं, अचकन वचकन सिलवाली होगी जी। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर इशरत लिबाद का जो किरदार मैंने अपनी आंखों से देखा है इस्लामाबाद में रहते हुए, और जो उन्होंने जिस कामयाबी के साथ इस अपने किरदार को अदा किया है, इस वक्त कराची की सूबा सिंध की और पाकिस्तान की अशद तरीन ज़रूरत ही डॉक्टर इशरत लिबाद है। गवर्नरी किसी के लिए मनसब रखती होगी, मेरे लिए मेरे शहर का मुफाद मुकदम है, सूबे का मुफाद मुकदम है और पाकिस्तान का मुफाद मुकदम है। और मेरे कायद का जो कहना है, मैंने आपसे पहले भी कहा मोहब्बत बढ़ाओ नफरत घटाओ, तो मैं ये समझता हूँ अगर मैं इशरत लिबाद का एक सिपाही बन के उनके साथ इस अमल का हिस्सा रहूँ तो वो ज़्यादा कारामद होगा मेरे शहर के लिए। पीपल्स पार्टी की सेनेटरशिप छोड़ दें, आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जुड़ जाएं अगर आपको इशरत लिबाद साहब का सिपाही बनना है। बहरहाल हैदर अब्बास नजरिया इसका जवाब भी ले लें, नजरिया जो है मेरा वो शहीद भुट्टो से मुंसलिक है, और शहीद भुट्टो के मुंसलिक नजरिए में सबसे बड़ी चीज जो है वो आजादी इजहार है, जिसका आप भी इजहार करती हैं और मैं भी करता हूँ। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, आपने गवर्नेंस का जिक्र किया, गवर्नेंस पे भी आते हैं। पहले तो कल जो फायरिंग का तबादला और जो कल जो आपने इलेक्शन कराची में कैंसिल कराए, पहले उस पर जरा बात कर लें। हैदराबाद दिस इज द सेकेंड टाइम, और इस दफा आप लोगों ने लास्ट टाइम प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं छोड़ी थी, ये हतमी फैसला है? मुफाहमत की कोई गुंजाइश है? अगर पीपल्स पार्टी दोबारा हाथ बढ़ाती है आपकी तरफ तो क्या आपका रद्द अमल होगा, क्या फैसला होगा? जैस्मीन देखिए, मुफाहमत और हुकूमत ये दो अलहदा चीज़ें, और हमारे नज़दीक बात इख्तदार की नहीं है, बात इख्तियार की है। जो कोलिशन पार्टनर्स होते हैं उनमें डायलॉग का, बातचीत का, गिव एंड टेक का, सीट एडजस्टमेंट्स के जो तरीक़ेकार हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। ठीक, वो कंसेंट के साथ होते हैं, यूनानिमस होते हैं, और आमतौर पर ये कोशिश की जाती है कि अगर कोई सीट आपके डोमेन में फॉल कर रही है तो उसके लिए फिर मैं बात ना करूं, और अगर बात करूं तो उसको रेसिप्रोकेट करने की भी कोशिश करूं। मिसाल के तौर पर लियारी एक ऐसा हलका है जो कि पीपल्स पार्टी रिलेटेड है और उसकी हिस्ट्री है। इसी तरह अगर मैं लियारी के लिए डिमांड करूं कि जी लियारी की सीट दे दें, और उसके बाद ये भी चाहूं कि वो हर तरीके से मैं हासिल कर लूं, और ये भी कोशिश करूं कि अगर पीपल्स पार्टी अपनी हार्डकोर डोमेन सीट हमें ना दे तो फिर मैं ये कहूं कि हम इंतखाबात मुलतवी करा देंगे, कह दें, और उसके जवाब में जब हम ये कहेंगे देखिए ये गैर जमहूरी तरीक़ेकार होगा और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम बजट सेशन का बायकॉट करेंगे, तो कहें अच्छा 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 ठीक है नहीं कर रहे। अच्छा ये कहें कि नहीं कर रहे? हाँ, नहीं कर रहे, क्योंकि ये पता है सबको कि जो आरोज तैनात हुए थे कराची में वो दोनों ने अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर को दोनों ने एक से ये साथ खत लिख दिया कि हम बीमार हैं।
इन्होंने कहा तो बजट सेशन से पहले कि नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, और इसके गवाह मौजूद हैं क्या रहमान मलिक साहब इसमें? मैं उस तमाम बातों का चश्मदीद गवाह खुद हूं जो कि बात हुई है, उसके बाद ये कहा गया कि अच्छा ठीक है हम उसको सेटल कर रहे हैं, उसके बाद आरोज जो है वो दूसरे वहां पर तैनात करने की बात की गई, क्योंकि दोनों ने बैक वक्त अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये खत लिख दिया कि हम दोनों बीमार हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर दो आरोज तैनात किए जाते हैं, दोनों बीमार हो गए, तो उसका मतलब इज समथिंग फिशी। उसके बाद जब होता यह है कि वो आरोज जब हम कहते हैं हम इलेक्ट उसका बाइकआउट करेंगे जो बजट सेशन है, तो उस पर उनका अच्छा अच्छा ठीक है हम देखते हैं, उसके बाद अचानक DIG हेडक्वार्टर्स एक वो बनाते हैं रिपोर्ट के जी कराची के हालात खराब हैं। उससे दो दिन पहले वजीर आला सिंध फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर हाउस को अशोर करते हैं कि जी हालात बहुत बेहतरी की तरफ चले जा रहे हैं, और जिस दिन पोस्टपोन किए जाते हैं इंतखाबात उसके नेक्स्ट डे हमारे वजीर बल्दियात आगा सराज दुर्रानी का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि कराची सिंध में हालात बल्दियाती इंतखाबात के लिए साजगार हैं, हर अखबार में छपा है। तो ये अचानक एक दिन के लिए ऐसा क्या हुआ, धोखा दिया आपको? तो हम ये समझते हैं कि जो हम पर मुसलसल एक महीने से दबाव था, और यहां तक कह दिया गया था कि अगर आप सीट नहीं देंगे तो हम मुलतवी कर देंगे, तो ये दबाव था, ये एक नेगेटिव टैक्टिक है, ये जमहूरी तरीका नहीं है। और हमने तो यहां से कहा था कि आप भी इलेक्शन में हिस्सा लें, हम भी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, जो जीत जाए वो सीट ले ले। अच्छा हैदर साहब मुझे खाली ये बताइएगा कौन कह रहा था, इसमें एम्फसाइज कौन कर रहा था कि मैं नाम ऑर्डर्स कहां से आए थे? मैं नाम नहीं लेना। चलिए ऑर्डर्स कहां से आए थे ये तो बता दें। जाहिर है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा इस इशू को डील कर रहे हैं तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी की वो एक पॉलिसी वो थी, टैक्टिक थी कि इस तरह किया जाए। लीडरशिप से आए होंगे ना, ये मैं नहीं कह सकता, पीपल्स पार्टी से आए हैं ये मुझे पता है, मैं उन लीडर से खुद मिला हूं, बार बार मेरी मुलाकात हुई है, बार बार तो बात हुई है। का पर्दा वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, कौन है वो लीडर्स? मैं नाम नहीं लेना चाहता। क्या रहमान मलिक उनमें थे? रहमान मलिक भी थे, इसके अलावा भी यानी कि और लोग थे। शेख रॉयल अजहर साहब आप कैसे देखते हैं इन हालात को? कल लाहौर में इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया गया और आपकी कारकुनान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान दमदम मस्त कलंदर फायरिंग हुई, और उसके बाद हमने ये देखा कि वो हालात जो कराची में बिना थे वो हमें लाहौर देखने को मिले। बहरहाल इन्होंने AJK का मैदान मार लिया। ये कहते हैं कि जी हम जीत गए हैं, क्या ये जीत कर हारे हैं या हार कर जीत गए हैं, ये मफामत है या धोखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यास्मीन, एक तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके प्रोग्राम में फैसल रजा आबदी नहायत महजब तरीके पे शुरुआत की है, खुदा करे कि ये आखिर तक इसी तरह महजब तरीके पर ही गुफ्तगू करता रहे। और मुझे जो नज़र आया ना, आपने एक सवाल इससे किया था फैसल से कि सुना है आप गवर्नर बनने जा रहे हैं, तो इसे ना हाँ की है ना की है, वो सिपा सलार उन्होंने कहा मैं बन जाऊंगा गवर्नर का, ये बातें मतलब या तो कह देता ना जी मैं नहीं बन रहा, कहे मैं नहीं बन रहा, एक साफ बयान दे। अब मैं आप दूसरी तरफ आता हूँ, जो आप ये कह रही हैं, एक पहली बात तो आप ये जहन में रखें कि जो कुछ कल हुआ जी मेरी नज़र में इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा इत्तेहादी जो था, जिस इत्तेहादी ने इनके साथ 3 साल इनके साथ सख्ती में नरमी में इनके बहुत सारे ऐसे अवामिल थे जो अवाम की नज़र में दुरुस्त नहीं थे, अपोजिशन की नज़र में दुरुस्त नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने इनका साथ दिया। मैं थोड़ी सी आपको ये कह दूँ कि मैंने एक तकरीर की 21 या 22 तारीख को या इस तरह कोई दिन था, तो मुझसे हैदराबाद ने पूछा ये आपने क्या बात की है फ्लोर ऑफ द हाउस के, 24 के बाद आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो मेरे जहन में उस वक्त ये था कि चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक इतिहाद जो बन चुका है काफ लीग के साथ, वो अब कुछ रंग लाएगा, वो रंग इस सूरत में लाएगा कि काफ लीग के साथ इनका एक अलायंस बना। अब बड़ी अजीब बात है कि MQM इनके साथ पिछले 3.5 साल के साथ इनके साथ मुश्किल सफ़र में चल रही थी और ऊंच नीच भी आई और बहुत सारे मुश्किलात भी आई और MQM ने इनका साथ दिया। अब MQM के साथ तो ये वो बात नहीं करने जा रहे जो कल और परसों इनके साथ जिनके साथ काफ लीग के साथ इनका इत्तेहाद हुआ।